सभी की नजरें 23 दिसंबर 2022 को कोची में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन की नीलामी पर होगी। खासतौर पर दो टीमों पर, एक मुंबई इंडियंस जो कि 5 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी है और दूसरी धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि आईपीएल 2022 इन दोनों टीमों के लिए बहुत ही बेकार साबित हुआ। जहां मुंबई इंडियंस 10वें नंबर पर थी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई 9वें नंबर वाली टीम रही। वहीं अब ऑक्शन में दोनों टीमों की नजरें कुछ अच्छे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने पर होगी। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को लेकर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले ने एक खिलाड़ी को लेकर भविष्यवाणी की, जिसको मुंबई की टीम हर हाल में अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। अनिल कुंबले का मानना है कि 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को 2023 सीजन से पहले एक स्पिनर की सख्त जरूरत है, जो कि कोई भारतीय गेंदबाज ना होकर विदेशी स्पिनर लेना पसंद करेंगे। मुंबई इंडियंस पिछले 2 सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपने 13 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। अब उनकी नजर कोची में होने वाली खिलाड़ियों की नीलामी के जरिए अपनी टीम को संतुलित करने पर होगी। कुंबले ने कहा, मुंबई इंडियंस के पास मार्की स्पिनर नहीं है। कार्तिकेय ने पिछले साल उनके लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया था। अगर उन्हें अनुभव के साथ भारतीय स्पिनर के लिए जाना है तो उन्हें शायद अमित मिश्रा या पीयूष चावला को लेना होगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे ऐसा होते नहीं दिख रहा है। शायद उनके लिए एकमात्र विकल्प विदेशी स्पिनर ही होगा। ये कौन होगा? आदिल रशीद, तबरेज शमसी, एडम जंपा है। कुंबले को यह भी लगता है कि जिम्बाब्वे के ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सिकंदर रजा उनके लिए एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि वो बल्लेबाजी लाइनअप में भी विकल्प प्रदान करेंगे। वो T20 विश्व कप में असाधारण प्रदर्शन करने वालों में से एक थे। मैं शायद सिकंदर रजा के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो आपको अपनी स्पिन के साथ साथ एक शानदार मध्यक्रम बल्लेबाजी भी दे सकते हैं, जिसे चुनना आसान नहीं है, और उन्होंने हाल ही के दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। मुंबई के पास नीलामी में जाने के लिए 20.55 करोड़ रुपए बचे हैं। ऐसे में पर्स को देखते हुए मुंबई को बड़ी चालाकी और सावधानी से खिलाड़ियों पर दांव लगाना होगा। उस राशि से उन्हें टीम में बचे हुए 9 स्लॉट भरने होंगे, जिनमें से कम 3 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं।